स्वागत है मेरे सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टैक्स सपोर्ट इंडिया के अंदर। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है 10 जून से लेकर 30 जून तक DSSB के एग्जाम चलने वाले हैं और एडमिट कार्ड्स भी आना स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका एग्जाम है DSSB का, उसके एडमिट कार्ड्स आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम है तो जैसे जैसे मैं वीडियो में बताता रहूंगा इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे और ये चेक कर लेंगे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कितने बजे से है, और वहाँ पर जाने की पूरी प्लानिंग कर लेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स के जब वो एडमिट कार्ड से देख भी रहे होंगे तो उनके में क्या है, इनवैलिड मेंबर या इनवैलिड कैंडिडेट्स लिखा आ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक चलिए हम सीख लेते हैं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए अब सीख लेते हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना, कि हमें एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको अपने गूगल या किसी भी मोबाइल की क्रोम ब्राउजर पर चले जाना है। तो चलिए मैं गूगल पे सिंपल चला जाता हूँ। और गूगल पर जाने के बाद में देखिए आपको सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और सरकारी रिजल्ट पर, और जो हमारी पहली ही वेबसाइट यहाँ पर आएगी उस पर हमें सिंपल क्लिक करना होगा। जो हमारी यहाँ पर पहली वेबसाइट है इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, देखिए थोड़ा सा नीचे आना है और अपना जूम करना है मोबाइल को, एडमिट कार्ड्स वाले ऑप्शन में आना होगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये पांचवें नंबर पर आपको जाना होगा और पांचवें नंबर पर दिख रहा है DSSB वेरियस पोस्ट एग्जाम जून 2024 एडमिट कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना होगा, देखिए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या मिलने वाले हैं, आपको कैटेगरी मिलने वाली है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो देखिए पहले ही नंबर पर है एडमिट डाउनलोड एडमिट कार्ड वेरियस पोस्ट, ठीक है। वेरियस पोस्ट का मतलब है जिसका अभी एग्जाम चलने वाला है 10 तारीख से। तो हमें क्या करना होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, इधर क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा और क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस शो होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस शो होने का मतलब है कि आपको क्या क्या भरना होगा। तो देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जब आपने फॉर्म भरवाया था तो उसमें एक एप्लीकेशन नंबर होगा, वहाँ पर ये डालना है। और उसके बाद में यूज़र पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि यूज़र पासवर्ड का मतलब जब आपने फॉर्म भरवाया था तो आपका एक पासवर्ड बनाया गया था फॉर्म का, तो वही फॉर्म का पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ नीचे भर देना है। तो चलिए हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो मैंने देखिए एक फॉर्म नंबर कॉपी किया हुआ है तो मैं उसको सीधा डायरेक्टली पेस्ट कर लेता हूँ और पासवर्ड में डाल देता हूँ ABHI, ठीक है। एक पासवर्ड हमने बना के रखा हुआ है और वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर इसको भी मैं भर देता हूँ कैप्चा कोड को 7 8 small u small d small e capital W and 8, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन है ना, इसको हम सिंपल क्लिक करेंगे भरने के बाद में। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए अब जो भी यहाँ पर शो होगा तो ये आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये आया इनवैलिड क्रीडेंटल्स, ठीक है। तो किसी के पे तो इनवैलिड क्रीडेंटल्स शो हो रहा है, किसी किसी के क्या यहाँ पर शो हो रहा है कि कैंडिडेट नॉट वैलिड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर कई चीज़ें शो हो रही हैं। अब भाई इसका क्या मतलब है कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो या अभी नहीं आया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो देखिए इसका क्या रीज़न हो सकता है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। तो कुछ नहीं करना है भाई, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं आया ना है तो भाई अभी जिस दुकान पे आपने जिस भी साइबर कैफे पे अपना फॉर्म भरवाया था सीधा वहां पर आपको जाना है और उससे मिलना है कि भाई ये बता रहा है आप मेरा एक बार पासवर्ड जो है उसको फॉरगेट करो और फॉरगेट करके नया बनाओ, उसके बाद में एडमिट कार्ड्स क्या है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके देखो। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो क्या होगा, आपको डेली भाई चेक करना है फिर, क्योंकि फिर जो है एग्जाम इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। जैसे आज 10 तारीख में एग्जाम है तो 48 घंटे पहले एडमिट कार्ड मिलते हैं, फिर आपको चेक करते रहना है कि अगर आपका 10 11 12 में नहीं है तो आपका, जैसे 15 में है तो 13 में आपका एडमिट कार्ड, 20 में है तो 18 में एडमिट कार्ड आपका आएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे चेक करते रहना है और साइबर कैफे पे 100% जाना है मेरे भाई, ठीक है। सभी को जाना है जिस जिसके एडमिट कार्ड में भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक बार आप अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए और उसके बाद में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो डाउनलोड करने का प्रोसेस तो यही था, जो राइट इन्फॉर्मेशन डालेगा उसका अगर 10 तारीख या 11 तारीख में अगर इस तरीके से ये एग्जाम कराएंगे, एडमिट कार्ड रिवील कराएंगे, तो आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ आपका एडमिट कार्ड निकल के आएगा भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।